इन द फिगर द वॉल हैज बीन, अपन जो फिगर अपने को दिया हुआ है उसी पर हम लोग काम करते हैं। वो धुंधला इसलिए क्योंकि बहुत ही छोटे इमेज को एक्चुअल मैंने जूम किया है। व्हाट इज द रीडिंग ऑन द स्केल नाउ? तो एक स्प्रिंग बैलेंस है, उस स्प्रिंग बैलेंस पर अच्छा दोनों तरफ से ऐसा लटकाया हुआ है, ठीक है। सर रीडिंग तो 0 होनी चाहिए उसमें। देख लेंगे। तो वो जो स्प्रिंग बैलेंस है तुम्हारा, इधर से भी उस पर टी फोर्स लग रही है, इधर से भी उस पर टी फोर्स लग रही है, ठीक है। तो देखो होता है एक्चुअल में ये है, स्प्रिंग बैलेंस की थोड़ी सी वर्किंग तुम समझ लो। स्प्रिंग बैलेंस कुछ नहीं, एक स्प्रिंग है बस, और उसके ऊपर एक कवरिंग लगा दी गई। तो देखो स्प्रिंग कैसा रहता है, स्प्रिंग फोर्स है वो कैसी रहती है। ये जैसे अगर स्प्रिंग है एक, मान लेते हैं ऐसा, तो होता ऐसा है कि अगर इसके दोनों कोनों पर अगर तुम फोर्स अगर लगाओगे ऐसी, तो इसका एक्सटेंशन होता है। ये मासलेस स्प्रिंग है, मासलेस स्प्रिंग है इसीलिए दोनों कोनों पर समान फोर्सेस रहेंगी, ये बात ध्यान में रखना। तो ये केस है तुम्हारा एक्सटेंशन का, ठीक है। अच्छा अब कंप्रेशन का सीन कैसा है, इसमें एफ इक्वल्स टू होता है के एक्स। इस एक्स को एक्चुअल में तुम मेजर करते हो और उससे पता करते हो कि फोर्स एफ कितनी है, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट वगैरह पहले ही निकाला हुआ रहता है, इसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर स्टिफनेस कांस्टेंट, ठीक है। ऐसा तो एक्स मेजर करके हम लोग कैपिटल एफ निकाल लेते हैं। अगर मान लेते हैं मेरे पास कंप्रेसिव फोर्सेस अगर हैं, ऐसा अगर मेरे पास फोर्सेस हैं, ये कैपिटल एफ और ये कैपिटल एफ ऐसा, तो भी तुम एफ इक्वल टू के एक्स ही लिखोगे। इन दिस केस दिस इज एक्स इज कंप्रेशन, एक्स इन दिस केस विल बी कंप्रेशन, एक्स इन दिस केस इज एक्सटेंशन। जैसे अगर तुम्हारे पास स्प्रिंग के बारे में थोड़ा बहुत कर लो काम, देखो जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत ही बेसिक तौर पर मैं तुम्हें स्प्रिंग के बारे में बता रहा हूँ। इसके बाद जब तुम SHM करोगे तब उसमें स्प्रिंग्स में मैंने बहुत तगड़ा, ठीक है क्या, पुलिस वगैरह के साथ कंस्ट्रेंट का कैसा डिस्कशन किया, तगड़ा डिस्कशन है। कंस्ट्रेंट का डिस्कशन अभी तुम्हारे साथ जस्ट स्टार्ट हुआ है, कंस्ट्रेंट वाला डिस्कशन अभी मैं कंटिन्यू करूंगा और आगे, अच्छा अच्छे स्तर पर काफ़ी। लेकिन उसमें जो SHM में मैंने कंस्ट्रेंट का डिस्कशन किया वो काफ़ी अच्छा डिस्कशन है, तगड़ा डिस्कशन है, ठीक है। तो उसके पहले तुम्हें स्प्रिंग के बारे में थोड़ी कुछ बातें पता होनी चाहिए, जो बहुत ही बेसिक स्तर पर पता रहती ही है सबको, ठीक है क्या। तो थोड़ा तुम देख लो, जैसे अगर मान लेते हैं पहले फोर्सेस का तुम डायग्राम बनाना सीख लो, फोर्सेस कैसे बनाई जाती है करके। जैसे अगर एक ब्लॉक है ऐसा एकदम सादा, मैंने स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ये ऐसा एक लिया है, दीवार है अपनी, ठीक है क्या, ऐसा ये ऐसा सरफेस है। अच्छा तो उस पर अगर मान लेते तुम फोर्स कैपिटल एफ ऐसी अगर लगाओगे इस ब्लॉक पर, तो होगा क्या, FBD बनाना सीखो पहले, ठीक है। मान लेते हैं स्प्रिंग में एक्सटेंशन हो गया एक्स का, स्प्रिंग में एज अ रिजल्ट ऑफ, ठीक है, कैपिटल एफ मान लेते हैं एक्सटेंशन हुआ स्प्रिंग में बराबर एक्स, ठीक है। अच्छा तो FBD कैसी बनाओगे तुम, एक बात ध्यान में रखना, जो स्प्रिंग है इट ऑलवेज पुल्स, बट द स्प्रिंग कैन पुल एज वेल एज पुश, ठीक है क्या। वो पुल भी कर सकता है, पुश भी कर सकता है। तो उसका बेसिक पर्पस क्या रहता है, अपनी मीन पोजीशन पर वापस लौटना। जैसे अगर कोई फोर्स उसको मजबूर कर रही है अपनी मीन पोजीशन से दूर, मतलब अगर वो स्ट्रेच होने की अगर कोशिश उसमें तुम करोगे तो वो कैसा तुम्हारे एक्शन के विरोध में कैसा वो काम करेगा, ये बात ध्यान में रखना। वो अपनी नेचुरल लेंथ अटेन करना चाहता है बस, ठीक है। तो तुम्हारा जो फोर्स का जो एक्शन है वो ऐसा है कि उसकी नेचुरल लेंथ वो बढ़ा रहा है, तो स्प्रिंग इस तरह से फोर्स लगाएगा कि जो कॉज है, जो उसकी नेचुरल लेंथ को बढ़ा रहा है, उस कॉज को वो नेगेट करने की कोशिश करेगा। जैसे ये ब्लॉक, जैसे अगर एक्स ये इधर आ गया है तभी ना इसमें एक्सटेंशन हुआ होगा स्प्रिंग में एक्स का, समझ रहे हो। तो उस ब्लॉक के मूवमेंट की वजह से, क्योंकि स्प्रिंग की लेंथ नेचुरल लेंथ से बढ़ गई है ज़्यादा, है ना, ये वाली लेंथ अगर इसको मैं एल मान लेता हूँ, इसकी नेचुरल लेंथ अगर मैं एल कंसिडर करूँ, तो बाद में इसकी लेंथ कितनी होगी, एल प्लस एक्स हो गई होगी। किसकी वजह से हुआ ये सब, उस ब्लॉक के उधर मूव करने की वजह से हुआ। तो स्प्रिंग की नेचुरल टेंडेंसी कैसी होगी, उस ब्लॉक को अपनी ओरिजिनल पोजिशन पर लाने की होगी, मतलब सो दैट
जो स्प्रिंग की लेंथ है वो वापस उसकी ओरिजिनल लेंथ ही बन जाए ऐसा। तो ये स्प्रिंग फोर्स काम क्या करेगी, हमेशा अपनी नेचुरल लेंथ मेंटेन करने की कोशिश करेगी। जो भी उस नेचुरल लेंथ को मेंटेन नहीं करने देगा उसके अगेंस्ट में वो काम करेगी। मतलब अगर नेचुरल लेंथ उसकी कोई बढ़ाएगा तो वो घटाने की कोशिश करेगी, उसके लिए जिस भी डायरेक्शन में उसको फोर्स लगाना पड़े। और अगर कोई उसकी नेचुरल लेंथ मानते घटाएगा कंप्रेस करेगा तो फिर वो खुलने की कोशिश करेगी, जैसे अंगड़ाई लेने की कोशिश करेगी ऐसा। तो स्प्रिंग फोर्स अभी इस केस में ऐसी लगेगी, स्प्रिंग फोर्स को मैं के एक्स से रिप्रेजेंट करूंगा ऐसा, ठीक है ऐसा एफ एस बोल देते हैं। तो स्प्रिंग फोर्स को भी एफ एस बोल देते हैं और ये तुम्हारे पास एफ लग रहा है, दिस इज द एफ बी डी। और वर्टिकल डायरेक्शन में सब कुछ फोर्स वगैरह बैलेंस है, तो नॉर्मल रिएक्शन और एम जी बना के फालतू में अपना डायग्राम क्लटर नहीं करेंगे हम लोग। तो ये तुम्हारा एफ बी डी है ऑफ द ब्लॉक, समझे क्या? अच्छा, अब ये वाली जो फोर्स है ये किसने लगाई है, ये स्प्रिंग ने लगाई है बाय स्प्रिंग ऑन ब्लॉक, बाय स्प्रिंग ऑन ब्लॉक, ठीक है बात ऐसा, ये बात ध्यान में रखना। तो अब क्या होगा, स्प्रिंग का जब तुम एफ बी डी बनाओगे, ये ऐसा ये स्प्रिंग है मेरा, तो ब्लॉक जो है वो स्प्रिंग पर फोर्स मारेगा, ठीक है ये हो जाएगा एफ एस। तो ये कैसा है, बाय ब्लॉक ऑन स्प्रिंग, ठीक है ऐसा, क्लियर है? अब क्योंकि ये मासलेस स्प्रिंग है इसीलिए इस कोने पर फोर्स ये ऐसी बनानी ही पड़ेगी तुमको। अब ये बनाने के लिए सपोर्ट है मेरे पास, सपोर्ट कौन सा है, दीवार का है मेरे पास सपोर्ट। ये फोर्स एक्चुअल में कौन मार रहा है, बाय वॉल ऑन स्प्रिंग। देखो ये फोर्स पेयर में है कि नहीं है, देखो ये बाय स्प्रिंग ऑन ब्लॉक और ये बाय ब्लॉक ऑन स्प्रिंग है, बैलेंस्ड है बराबर, एक्शन रिएक्शन पेयर बन गया। इसका पेयर देखो मिसिंग है अभी, बाय वॉल ऑन स्प्रिंग, तो बाय स्प्रिंग ऑन वॉल, वॉल देखो ऐसी अपनी, तो जो दीवार पर स्प्रिंग की वजह से जो फोर्स बनेगी वो ऐसी बन जाएगी ऐसा। क्या एफबीडी क्लियर है क्या? बहुत ही बेसिक स्तर पर मैं बातचीत कर रहा हूँ, बहुत ही छोटे स्तर पर बातचीत कर रहा हूँ मैं, ठीक है? क्या फ्री बॉडी डायग्राम्स क्लियर है क्या? अब जो वो स्प्रिंग है उसके जो दोनों कोनों पर जो फोर्सेस हैं, हमेशा दोनों कोनों पर फोर्सेस रहेंगे, ये उसकी वजह से जो एक्सटेंशन हुआ है ना एक्स का, उसको स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ ऐसे रिलेट करते हैं, उसको कहते हो तुम हुक्स लॉ, दिस इज नोन एज हुक्स लॉ। बस बहुत ही सादे और बेसिक, एकदम जीरो लेवल पर मैं बातचीत कर रहा हूँ, एकदम जीरो लेवल पर, कोई ऐसा दिमागी हाई पंटूश कुछ नहीं, ठीक है? क्या ये बातें क्लियर है, वो स्प्रिंग फोर्स का कैसे क्या जन्म हुआ है करके। अच्छा, इसके फ्री बॉडी डायग्राम में अगर किसी को कुछ पूछना है तो बोलो तड़ से। इसके एफबीडी में अगर किसी को कुछ बोलना है तो फूटो। अच्छा, मान लेते हैं वही अगर कंप्रेशन अगर कर रही रहती है वो फोर्स, जैसे वही अपना पुराना ब्लॉक, समझे, ये ऐसा अपना ब्लॉक मस्त सा, और ये फोर्स ऐसा अपन, सर हाँ बोले, वहाँ पे एफ एस और एफ अलग अलग है क्या? हाँ अलग अलग है बे, हे भगवान, अबे तो बहुत बड़ा रायता फैलाने वाला था तू, अलग अलग है साले, एफ एस अलग है, एफ एस का एफ से कोई वास्ता नहीं है। तो फिर एफ स्प्रिंग पे नहीं लगेगा क्या? नहीं, एफ स्प्रिंग पे क्यों लगेगा, कैसी बातें कर रहा है, एफ तो ब्लॉक पे है ना। हाँ समझ गया, अबे कैसे मतलब एकदम है। तो इधर देखो, जैसे अगर मान लेते हैं तुम अगर कंप्रेशन अगर कर रहे हो, ठीक है, लेट से फोर्स अगर तुमने ऐसी लगाई है अगर ब्लॉक पर, ठीक है ये दीवार, ये अपनी दीवार ऐसी, ठीक है क्या? अच्छा, अभी एफबीडी बनाओ तड़तड़, कैसे बनाओगे फटाफट, ब्लॉक पर दो फोर्सेस बनाओगे तड़ाक से, ये हो गया एफ। अच्छा, अब ब्लॉक कैसा उसको पुश कर रहा है, पुश, ठीक है क्या? अब उसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, ये मेरा स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग कैसा उसको कंप्रेस नहीं होने देना चाहिए, तो स्प्रिंग ऐसी फोर्स लगाएगी ब्लॉक पर, ठीक है क्या? जैसा पहले लगा रही थी उसका अपोजिट, ठीक है क्या? अभी अगर ऐसा मैं मान लेता हूँ वो उसको ऐसा एक्स डिस्प्लेसमेंट दे रहा है करके, इस फोर्स की वजह से स्प्रिंग मान लेते हैं कंप्रेस हो गई अभी, और एक्स अभी उसकी लेंथ कंप्रेस्ड होकर है, मतलब अभी मान लेते हैं एल माइनस एक्स लेंथ है उसकी ऐसा, ठीक है, अभी उसकी लेंथ एल माइनस एक्स है, और अभी कैसा बैलेंस है अभी सब कुछ, तुमने फोर्स कंटिन्यूसली अप्लाई करके रखी हुई है, वरना ब्लॉक अगर छोड़ोगे तो छूट के भगेगा ना एकदम, अभी तुमने कंटिन्यूसली फोर्स कैसा अप्लाई करके रखी हुई है, और अभी स्प्रिंग की जो लेंथ है दैट इज एल माइनस एक्स, ठीक है क्या? एल उसकी नेचुरल लेंथ है, जब कोई फोर्स वोर्स नहीं लग रही थी, जब स्प्रिंग ऐसी मस्त मजे में पड़ा हुआ था ना, तब उसकी लेंथ जो थी वो नेचुरल लेंथ थी इक्वल टू एल स्मॉल एल, और एक्स से तुमने अब उसको कंप्रेस कर दिया है ऐसा, क्योंकि कंप्रेस किया है इसीलिए वो नेचुरल लेंथ में अपनी आने की कोशिश करेगी,
स्प्रिंग, तो वो स्प्रिंग इस कोशिश को मैंने इस फोर्स से डिमॉन्स्ट्रेट किया है। ठीक है, वो जो कोशिश कर रही है कि नहीं मेरा ब्लॉक तो उधर जाए यार करके, समझे क्या ऐसा, तो वो कोशिश जो है स्प्रिंग कैसी फोर्स लगा रही है अभी एफ एस वाली अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ कैपिटल एफ। ठीक है, यहाँ देखो अभी स्प्रिंग ने ब्लॉक को पुश कर रही है, यहाँ पर देखो स्प्रिंग ब्लॉक को पुल कर रही थी, ये पुलिंग फोर्स है ऑन द ब्लॉक, पुलिंग फोर्स ऑन द ब्लॉक, और यहाँ पर देखो अभी जो स्प्रिंग है वो पुश कर रही है ब्लॉक को, द स्प्रिंग इज पुशिंग द ब्लॉक। ठीक है, अच्छा अब देखो ये फोर्स किसने लगाई है, बाय स्प्रिंग ऑन ब्लॉक, ऐसा समझ गए। अच्छा अब जो स्प्रिंग है ठीक है क्या, उस पर कैसी फोर्स लगाओगे अब तुम, इसका देखो रिएक्शन पेयर कैसे बनाना है, इसका रिएक्शन पेयर कैसे बनाना है, रिएक्शन पेयर बनाना बहुत ही आसान काम होता है, एक्शन रिएक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन होते हैं, तो ये अगर राइटवर्ड बनाया हो तो यहाँ पर आराम से एक तड़ से ऐसा चिपका दो एफ एस, ऐसा बाद में समझते रहना किसने क्या लगाया कौन क्या किया कैसा क्या। तो यहाँ देखो ये वाली जो फोर्स है ये किसका पेयर है, ये किसका पेयर है, जो स्प्रिंग जो ब्लॉक पर लगा रही थी ना, और ये वाली जो फोर्स है वो कौन किस पर लगा रहा है, बाय ब्लॉक ऑन स्प्रिंग, समझे, दिस इज द फोर्स बाय ब्लॉक ऑन स्प्रिंग। एक्शन रिएक्शन पेयर बनाना बहुत ही आसान होता है, इक्वल एंड अपोजिट बनाना है, एक बॉडी पर भी अगर तुमको फोर्स अगर पता है तो दूसरी बॉडी पर जब तुम लगा रहे हो तो अपोजिट डायरेक्शन में ऐसा चिपका दो, और क्योंकि मासलेस स्प्रिंग है इस पॉइंट पर फोर्स कैसी लगेगी, एफ एस ऐसी, ताकि इस पर फोर्स बैलेंस रहे। अब ये फोर्स कौन लगावेगा, ये लगा रहा है वॉल, बाय वॉल ऑन स्प्रिंग, ठीक है ऐसा, क्लियर है बात। अच्छा तो ये तो पेयर में हो गई, ये दोनों फोर्सेस तो हो गई पेयर में, अब इसका पेयर कहां पर है, इसका पेयर है तुम्हारा दूसरा वॉल पर जो लग रहा होगा, ये देखो मेरी वॉल, जगह नहीं है उधर, ठीक है ये मेरी वॉल, अब इस पर फोर्स कैसी लगेगी, ऐसी एफ एस, ठीक है क्या, इसका अपोजिट बना दो बस। ठीक है, तो ये हो गई बाय स्प्रिंग ऑन वॉल, समझ गए। अच्छा अभी जो कंप्रेसिव फोर्स है एफ एस, ठीक है क्या, ये देख रहे हो अभी स्प्रिंग के दोनों कोनों पर वो एफ एस लग रही है करके, तो एफ एस जब दोनों कोनों पर लगती है तब उसकी वजह से एक्सटेंशन या कंप्रेशन होता है, मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं। तो एफ एस को अभी तुम कैसे लिखोगे, के टाइम्स एक्स, वेयर एक्स इज एक्सटेंशन कंप्रेशन। तो एफ एस का मतलब खाली ये मत समझना कि ऐसा होता है, ये ऐसा स्प्रिंग है और ये इस पर एफ एस लगी तो के एक्स हो गया करके, एफ एस को के एक्स लिख दोगे, ऐसा नहीं होता है, स्प्रिंग के दोनों तरफ कैसा एफ एस रहती है, ठीक है, तब उसमें एक्सटेंशन होता है एक्स का, ये बात ध्यान में रखियो, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकती है फोर्सेस कंप्रेशन के लिए ऐसा, लेकिन दोनों साइड होगी फोर्सेस जो होंगी दोनों साइड होंगी, ठीक है, ये बात तुम्हें पता रहनी चाहिए। अच्छा तो स्प्रिंग से रिलेटेड तो मैं और अभी कम से कम 4 घंटा और बोल सकता हूँ, बहुत सारे मेरे पास सवाल वगैरह हैं स्प्रिंग से रिलेटेड, ठीक है, बहुत सारा मसाला है मेरे पास स्प्रिंग से रिलेटेड, लेकिन एकदम बेसिक मसाला जो तुमको पता रहना चाहिए, एकदम बेसिक, वेरी बेसिक, स्प्रिंग से रिलेटेड जो कंस्ट्रेंट है वो किसी से नहीं बनते, किसी से नहीं बनते, इनफैक्ट SHM में लोगों की इसीलिए हालत भी खराब होती है, पर वो कभी जन्म में नहीं आएगा तुमको, ना तो एडवांस में भी नहीं आएगा, मेंस में तो दूर की बात है वो, ठीक है। तो वो स्ट्रिंग के जो कंस्ट्रेंट होते हैं स्प्रिंग वाले, वो किसी से नहीं बनते, ठीक है, तो वो सब पे मैं नहीं जा रहा हूँ अभी, लेकिन एकदम एक बेसिक बात तुम्हारे साथ शेयर करनी, सीरीज पैरेलल तो सबको पता है, इतना बेसिक तुम्हें स्प्रिंग के बारे में तो पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो अभी ये वैसे इस सवाल को बनाने के लिए नेसेसरी नहीं है, बट फिर भी इतनी बेसिक बात है कि ये तुम्हें पता जरूर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारे पास मान लेते एक ब्लॉक है ऐसा, ठीक है, ये मैं बोल रहा हूँ इसको, ये तुम्हारे पास ऐसे दो स्प्रिंग लगे हुए हैं, ठीक है, और लेट्स से इसको तुम ऐसा कर लो, अगर मेरे पास ठीक है ना, ऐसा अगर मामला है, ठीक है, दो ब्लॉक्स है मेरे पास ए और बी,
ये अगर मेरे पास स्प्रिंग्स अगर ऐसी लगी हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट ये के वन, ये इधर के टू है, ऐसा है, ठीक है क्या? तो मैं ये चाहता हूँ कि ये दोनों स्प्रिंग के बजाय मैं एक सिंगल इकलौता स्प्रिंग लगाऊं, ठीक है? इसमें अगर मान लेते हैं मैंने एक फोर्स ऐसी लगाई, जैसे लेट्स से तुम्हारे पास रुको जरा रुको, इसको इस सिस्टम को ऐसा बना दे, थोड़ा सा अजीबी दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा अलग कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये जैसे है दीवार है अपने जैसे पुराना अरेंजमेंट का, ठीक है, इसको ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ये के वन ये के टू कर लो, ऐसा कर लो। फालतू फोकड़ में दो ब्लॉक क्यों लगाना अपन एक बॉडी को, वरना उसमें कैसा दोनों ब्लॉक्स अगर मूव करेंगे तो सिचुएशन बहुत ही खतरनाक हो जाएगी, और वो सिचुएशन तुम एक्चुअल में सेंटर ऑफ मास जब पढ़ोगे तब करोगे, ठीक है? तो यहाँ देखो जैसे ये एक ब्लॉक है मान लो ऐसा, दो स्प्रिंग्स ऐसी लगी हुई है, ठीक है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है ऑफ स्प्रिंग्स, इससे एक तो तुम्हारे फ्री बॉडी डायग्राम वाले भी कॉन्सेप्ट्स ऐसा क्लियर हो जाएंगे काफी हद तक। देखो यहाँ जैसे मान लेते तुमने एक फोर्स लगाई ऐसा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, सेम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जो दोनों स्प्रिंग्स है मेरी वो दोनों में समान एक्सटेंशन होगा या समान कंप्रेशन होगा, इस बात से एग्री करते हो? सेम पैरेलल का मतलब क्या होता है, जैसे पैरेलल में सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है वैसे इसमें सेम एक्सटेंशन या फिर कंप्रेशन होगा, क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? जो दोनों स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन या कंप्रेशन होगा वो समान होगा, क्या ये बात समझ में आती है? भले दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है, अगर मान लेते ये ब्लॉक अगर इस डायरेक्शन में अगर एक्स अगर मूव किया है तो ये स्प्रिंग भी एक्स मूव करेगी, ये स्प्रिंग भी एक्स मूव करेगी, इन ऑर्डर दैट बोथ द स्प्रिंग्स रिमेन इन कॉन्टेक्ट विद द बॉल विद द ब्लॉक एट ऑल टाइम्स, इट इज नेसेसरी, इट इज इनफैक्ट कंपल्सरी दैट बोथ द स्प्रिंग्स एक्सटेंड बाय लेंथ x, small x, ये बात समझ में आती है क्या? अबे हाँ सर, ठीक है, हाँ तो अब देखो जरा ध्यान से, क्विकली देखोगे थोड़ा अपन, टाइम कम है, तो जैसे ये ब्लॉक है तो ये कैपिटल F ऐसी लगी उस ब्लॉक पर, अच्छा अभी ये जो है ये फोर्स कैसी है FS1, जो स्प्रिंग 1 लगा रहा होगा, और ये फोर्स कैसी लगेगी उस पर FS2, क्योंकि स्प्रिंग को वो खींचने की कोशिश कर रहा होगा, तो स्प्रिंग अपने नेचुरल में आने के लिए ब्लॉक को बोलेगा नहीं भाई मत जा, और अगर ब्लॉक अगर आएगा तुम्हारे पास आएगा तो वो बोलेगा दूर जा, ये कुछ एक हद तक एक आइडियल लड़की की तरह है, तुमको नहीं लगता है कि स्प्रिंग देखो ऐसा, अगर ये दूर जा रहा है बेचारा बंदा अगर दूर जा रहा है तो वो उसको बोलती है कि नहीं आ तू नज़दीक आ, एकदम हरकतें देख रहे हो उसकी, अच्छा, और अगर मान लेते ये नज़दीक आ रहा है तो वो बोल रही कि फिर दूर जा, ठीक है, ये एकदम सेम वही सीन है। इसमें एक बात ध्यान में रखना, स्प्रिंग खाली पुल करती है ना, बट स्प्रिंग कैसा वो पुल और पुश दोनों कर सकती है, तो अभी जो स्प्रिंग का एक्शन है वो कैसा पुलिंग एक्शन है, पुल करने वाला, ठीक है, अच्छा अभी जो स्प्रिंग का जब तुम एफ बी डी बनाओगे ये के वन वाला का, तो कैसा बनाओगे, ये हो गई एफ एस वन और ये हो गया एफ एस टू, एफ एस वन ऐसा हो गया, और दीवार पर जो फोर्स लग रही होगी वो कौन सी वाली होगी, हो जाएगी ये हो गई ऐसा FS1, ठीक है, अच्छा अभी जो स्प्रिंग 2 तुम बनाओगे वो भी सेम ऐसे ही बनेगा, ये हो गया K2, ये हो जाएगा FS1, FS2 सॉरी, ये हो जाएगा FS2, और जो दीवार है उस पर तुम क्या बना लो, अच्छा दीवार तो अपन ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो यहाँ ये बना लेते हैं अपन दीवार पर, ये FS2 बना लेते हैं दीवार पर, ऐसा क्लियर है क्या? दीवार पर अब दो फोर्सेस लग रही होंगी ना, FS1 और FS2। अब मैं ये सब नहीं बता रहा हूँ कि कौन किस पर क्या फोर्सेस लगा रहा है, वो तो एक नाइन्थ के बच्चे को भी पता रहता है, ठीक है क्या? अच्छा अब देखो जरा ध्यान से, जो कैपिटल F है बॉडीज अगर इक्विलिब्रियम में है, एक्सटेंशन कितना हुआ है अपना x, मान लेते हैं एक्सटेंशन हुआ है अपना x, ठीक है क्या? तो बाय कंस्ट्रेंट, बाय पैरेलल कंस्ट्रेंट, ठीक है, बोथ द स्प्रिंग्स है कि नहीं, बोथ द स्प्रिंग्स मस्ट हैव हैड, ग्रामर अच्छी है मेरी, मस्ट हैव हैड एक्सटेंशन ऑफ
एक्स जे। खैर तो एफ एस वन कितना होगा तुम्हारे पास, के वन एक्स, एफ एस टू कितना होगा अपने पास, के टू एक्स, है ना। और इस ब्लॉक के एफबीडी से तुम क्या बोल सकते हो, जो ब्लॉक का एफबीडी है उससे तुम क्या बोल सकते हो, फोर्स बैलेंस अगर लगाओगे तो एफ इक्वल्स टू एफ एस वन प्लस एफ एस टू। ये ठीक वही सीरीज पैरेलल में करंट के रिलेशन जैसा है, नहीं, वी वन इक्वल्स टू आई आर वन, वी टू इक्वल्स टू आई आर टू, और नेट पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू आई आर वन प्लस आर टू। ये देखो कैसा आ जाएगा, ये के वन एक्स प्लस के टू एक्स बराबर के वन प्लस के टू, ठीक है, टाइम्स एक्स। अब इन रिलेशनशिप्स को देखकर क्या मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, ध्यान से देखोगे, अगर मेरे पास वही एक दीवार है और उसकी जगह अगर मैंने मान लेते सिंगल के इक्विवेलेंट वाला एक स्प्रिंग लगा दिया, ऐसा ना, वही ब्लॉक है, वही फोर्स है और वही एक्सटेंशन है, सेम एक्सटेंशन, ठीक है, सेम फोर्स, सेम फोर्स नाउ प्रोड्यूसेस सेम एक्सटेंशन एक्स फॉर दिस के इक्विवेलेंट, देन एफ तुम कितना बोल सकते हो, के इक्विवेलेंट टाइम्स एक्स, कैसा ऐसा बोल सकते हो, यहां देखो वही ब्लॉक एफ और ये एफ एस, ठीक है क्या, और उसमें एफ एस कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, स्प्रिंग का जैसे एफ बी डी बनाओगे, ये हो गया एफ एस, ये हो गया एफ एस, है ना, के इक्विवेलेंट वाला, तो एफ एस तुम्हारे पास कितना है, के इक्विवेलेंट टाइम्स एक्स, ठीक है क्या। और ऊपर देखो तुम्हारे पास एफ एस, तुम्हारे पास एफ अभी किसके बराबर रहेगा, एफ एस के बराबर रहेगा, अभी इक्विलिब्रियम में है ना, तो एफ एफ एस और एफ स्प्रिंग फोर्स और जो एक्सटर्नल फोर्स है वो दोनों बराबर रहेंगी तुम्हारे पास, और जो स्प्रिंग फोर्स है वो किसके बराबर रहेगा, स्प्रिंग कांस्टेंट टाइम्स एक्सटेंशन, इसमें भी तो उतना ही एक्सटेंशन हो रहा है जितना वो दोनों स्प्रिंग में हो रहा था मिलाकर, समझे क्या, दोनों स्प्रिंग में एक्स एक्स का एक्सटेंशन हो रहा था, तो मैंने बोला दोनों स्प्रिंग हटाओ और इसमें के इक्विवेलेंट वाली एक स्प्रिंग कांस्टेंट का अपन एक स्प्रिंग लगाते हैं, इसमें भी एक्सटेंशन कितना करवा लेते हैं एक्स का, ऐसा, तो के इक्विवेलेंट की वैल्यू बेसिकली अपन निकाल सकते हैं, ठीक है क्या, के इक्विवेलेंट की वैल्यू अपन निकालेंगे। इन दोनों रिलेशनशिप से तुम क्या बोल सकते हो, इफेक्ट एफ जो एक्सटर्नल फोर्स है वो के इक्विवेलेंट टाइम्स एक्स आ रही है, और ऊपर से देखो अगर तुम देखो तो वही एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर आ रही है, तुम्हारा के वन प्लस के टू टाइम्स एक्स के बराबर आ रही है, क्या ये बात समझ में आ रही है, क्या क्या ये बात समझ में आ रही है। सर इससे तुम क्या बोल सकते हो कि जो के इक्वलेंट है, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो के इक्वलेंट है वो तुम कितना बोल सकते हो, के वन प्लस के टू बोल सकते हो, ठीक है, उसको तुम बोल सकते हो के वन प्लस हाँ के टू, सर ठीक है। मैं इस पूरी चीज को एकदम क्विक रिवाइज करवा देता हूँ, देखो एकदम क्विक, अपने को ये सिस्टम दिया हुआ है के वन, ये हो गया के टू, ये ब्लॉक दिया हुआ है ऐसा, इसको रिप्लेस करना है इससे, सेम फोर्स है, एक्सटेंशन इज एक्स, ऐसा, यहां पर भी वही एक्सटेंशन होगा, सेम एक्सटेंशन एक्स उसी सेम फोर्स के लिए, समझ रहे, ऐसा। तो ये के इक्विवेलेंट कितना होगा ये हम लोगों को निकालना है, ये सवाल है। सवाल क्या है, एक ब्लॉक है उस पर एक फोर्स कैपिटल एफ लगी, तो एक्सटेंशन उसका हुआ एक्स का, बट बाय द एक्शन ऑफ टू स्प्रिंग्स विच हैव स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स के वन एंड के टू। मैं बोला नहीं मेरे को दो स्प्रिंग नहीं होना, मैं वही फोर्स लगाऊंगा उसी ब्लॉक पर, सेम एक्सटेंशन प्रोड्यूस करूंगा, देखे एक स्प्रिंग के बदौलत, तो एक स्प्रिंग का जो स्प्रिंग स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो कितना होगा, वो होगा के वन प्लस के टू। ये बहुत ही बेसिक सी बात है, कैसे देखो यहाँ पर इसके जैसी तुम एफबीडीज बनाओगे एलएचएस के, कैसा जाएगा, देखो ये ब्लॉक है, ये हो गया एफ, इस पर दो फोर्सेस लगेंगी तुम्हारी एफ एस वन और एफ एस टू, दोनों स्प्रिंग्स, क्योंकि उसको पीछे खींचेंगे दोनों स्प्रिंग्स के, जब तुम एफबीडी बनाओगे तो कैसा हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा, अभी दीवार वाला एफबीडी नहीं बना रहा हूँ, एफ एस वन, एफ एस वन, इस एफ एस वन को तुम कितना बोलोगे, इसमें स्प्रिंग वन में जो एक्सटेंशन हो रहा है कितना हो रहा है एक्स का, और स्प्रिंग टू में भी जो एक्सटेंशन हो रहा है कितना हो रहा है एक्स का, ये हो गया स्प्रिंग वन और ये हो गया एफ एस टू, ये हो गया एफ एस टू, तो एफ एस टू को तुम कितना बोलोगे के टू एक्स। नहीं, अब इस ब्लॉक का इक्विलिब्रियम अगर तुम देखो तो कैसा है, एक्सटर्नल फोर्स वो दोनों स्प्रिंग फोर्स को बैलेंस किया हुआ होगा,
और स्प्रिंग फोर्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, के वन एक्स प्लस के टू एक्स, दोनों का क्योंकि एक्सटेंशन तो समान हुआ था, तो एक्सटर्नल फोर्स यहाँ से कितनी आ रही है देखो, के वन प्लस के टू एक्स, ऐसा ये आ रही है एक्सटर्नल फोर्स मेरे पास, ऐसा। दीवार को इन्वॉल्व मत ही करो, कोई जरूरत नहीं दीवार को इन्वॉल्व करो, ये आता है मेरे पास, ठीक है, ये आता है मेरे पास एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू। इतनी एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी अगर इतना एक्सटेंशन चाहिए तो, वाया टू स्प्रिंग्स। अच्छा, अब क्या होगा अगर मैं एक ही स्प्रिंग से यही वाला इफेक्ट अगर प्रोड्यूस करने की अगर कोशिश करूंगा, तो ब्लॉक का एफवीडी जैसी तुम बनाओगे, ये हो गया एफ, पीछे की तरफ इस बार एक ही स्प्रिंग है सपोर्ट जो कर रही है उसको, उस फोर्स को जो बैलेंस कर रही है, और वो है स्प्रिंग फोर्स, एफ एस बोल लेते हैं उसको, ठीक है, ऐसा। स्प्रिंग पर जो फोर्सेस लगेंगी, ये हो गया एफ एस जो ब्लॉक लगाएगा स्प्रिंग पर, और ये हो गया एफ एस जो दीवार लगाएगा स्प्रिंग पर, उसकी वजह से जो इस स्प्रिंग का एक्सटेंशन होगा वो भी हो रहा है एक्स का, क्योंकि मुझे इक्विवेलेंट स्प्रिंग बनाना है। इक्विवेलेंट स्प्रिंग का मतलब ये हुआ कि अगर पहले केस में ओरिजिनल कंडीशन में अगर एक्स का एक्सटेंशन हुआ है तो बाद में भी एक्स का एक्सटेंशन ही मिलना चाहिए, ना कम ना ज्यादा, ना प्रॉफिट ना गेन, उतना ही मिलना चाहिए एग्जैक्ट। तो इसमें एफ एस की वैल्यू तुम कितनी बोल सकते हो, के इक्विवेलेंट टाइम्स एक्स। और ऊपर वाली बॉडी से देखो, अगर तुम उसका इक्विलिब्रियम अगर लगाओगे तो एफ इक्वल्स टू एफ एस तो है ही, ये दोनों की मदद से तुम क्या बोल सकते हो, एफ बराबर कितना हो जाएगा, के इक्विवेलेंट टाइम्स एक्स। ये तुम्हारे पास दूसरे एफ बी डी से ये रिलेशनशिप आ रहा है, तो ये तुम्हारे पास हो गया वन, ये तुम्हारे पास हो गया टू, फ्रॉम वन एंड टू, किसी का माइक ऑन हो गया भाई, फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू तुम ये कह सकते हो के वन प्लस के टू इक्वल्स के इक्विवेलेंट, ठीक है, ऐसा। इसमें किसी को कुछ डायग्राम्स वगैरह में कुछ पूछना है तो बोले, ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसमें कोई डायग्राम्स वगैरह से रिलेटेड अगर किसी को कुछ पूछना है तो बोले। अच्छा, अब आते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन पर, क्विकली देखोगे उस चीज को, सीरीज कॉम्बिनेशन को, ये है अपना सीरीज कॉम्बिनेशन, इसका पीडीएफ नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये हो गया K2, ऐसा, ये हो गया ब्लॉक, ठीक है। मैं अब फोर्स लगा रहा हूँ कैपिटल F, इसको मेरे को रिप्लेस करना है, मान लेते हैं इससे, ठीक है, ये ऐसा ऐसा रखा हुआ है, वही सेम फोर्स है, मेरे को उतना ही एक्सटेंशन चाहिए, बट इस बार ये एक्सटेंशन दोनों मिलके प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है क्या? जैसे लेट्स से यहां पर एक्सटेंशन हुआ X, तो क्या यहां पर एक्सटेंशन वही एक्स होगा क्या इंडिविजुअल स्प्रिंग्स का? नहीं। अगर मैं ऐसा कहता हूं कि इसका एक्स टू हो रहा है, इसका एक्स वन हो रहा है एक्सटेंशन, देन आई कैन से दैट नेट एक्सटेंशन इज एक्स, ऐसा। यहां पर अभी बोथ द स्प्रिंग्स डू नॉट हैव सेम एक्सटेंशन, ठीक है, ये बात ध्यान में रख, बोथ द स्प्रिंग्स डू नॉट हैव सेम एक्सटेंशन, इस बात को ध्यान में रख, बोथ द स्प्रिंग्स विल हैव डिफरेंट एक्सटेंशंस अनलेस एंड अंटिल दोनों का के बराबर ना हो, के ही बराबर हो गया तो फिर तो इक्वलेंट ही हो जाएंगे, ठीक है क्या? तो बोथ द स्प्रिंग्स विल हैव डिफरेंट एक्सटेंशंस, बट द फोर्स एक्टिंग ऑन बोथ द स्प्रिंग्स विल बी सेम। सीरीज में क्या होता है, फोर्स प्रोपोगेट कर जाती है, फोर्स, ठीक है क्या, फोर्स एक्टिंग, फोर्स इज सेम। पैरेलल में क्या होता है, एक्सटेंशन सेम, सीरीज में क्या होता है, फोर्स सेम होती है, ठीक है। लेकिन ये बात ध्यान में रखना कि उधर करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, पैरेलल में तुम्हारा वो वन अपॉन आर, वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू आता है ना, इसमें पैरेलल में दोनों जुड़ जाते हैं, ये बात ध्यान में रखना, ये कैपेसिटर का जैसा है, इसमें पैरेलल में दोनों जुड़ जाते हैं, ध्यान रखोगे इस चीज का। अच्छा, अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में एफबीडी जब तुमने बना ली तो बस तुम्हारा गेम ओवर हो गया, पूरा मतलब खेला ही खत्म। तो इस स्प्रिंग में के टू में मैंने माना कि एक्सटेंशन है एक्स टू, इस स्प्रिंग में के वन में मैंने माना एक्सटेंशन है एक्स वन, ठीक है बात। अच्छा, अब एफबीडी कैसे बनाएंगे, तो देखो ऊपर वाले केस में एफबीडी जो बनाऊंगा मैं, जो ब्लॉक है वो कैसा है, ऐसी उस पर फोर्स लग रही है, और जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग कौन सा वाला स्प्रिंग उसके कॉन्टैक्ट में, देखो ये वाला स्प्रिंग उसके कॉन्टैक्ट में, ठीक है। तो ये एक मैं फोर्स बोल देता हूँ उस पर, ठीक है क्या, एक ही फोर्स तो वैसे एक ही रहेगी, ठीक है, ये बोल देता हूँ मैं एफ एस। फोर्स एक ही क्यों रहेगी वो मैं बताता हूँ, जैसे मान लेते ये फोर्स
ठीक है क्या, ऐसा ये फोर्स है अपने पास एक एफएस उस पर लग रही है ब्लॉक पर, ठीक है क्या। अच्छा अब देखो होगा क्या, स्प्रिंग पर जब तुम फोर्स देखोगे तो वो देखो कैसी बनेगी, ये वाली स्प्रिंग पर फोर्सेस देखो कैसी आ रही, ये वाली स्प्रिंग पर देखो फोर्सेस कैसी, इस स्प्रिंग पर के टू वाली स्प्रिंग पर फोर्स कैसी आएगी तुम्हारे पास, ऐसी, ये बनेगा एफएस, समझ गए। क्योंकि स्प्रिंग ब्लॉक को खींच रही है तो स्प्रिंग है ना, ये देखो स्प्रिंग ब्लॉक को खींच रही है तो ब्लॉक स्प्रिंग को खींच रहा है। अब ये वाली जो फोर्स है इसका इक्वल एंड अपोजिट यहां पर बना दो क्योंकि स्प्रिंग मासलेस है, ठीक है। अच्छा अब देखो यहीं पर जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है दूसरी स्प्रिंग का भी, ये देखो ये वाली जो स्प्रिंग है, ठीक है, ये इससे जुड़ी हुई है। अब देखो क्या हो रहा है, एफबीडी कैसे बनाऊंगा, जो K1 है, ठीक है, दोनों को साइड बाय साइड एक्चुअल में बनाया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा ताकि तुम्हें क्लैरिटी ज्यादा रहे, ऐसा कर देता हूँ। अब देखो जो K1 है, ठीक है, ये ऐसा, ये वाली फोर्स किसने लगाई है, ये फोर्स लगाई गई है बाय स्प्रिंग 1 ऑन स्प्रिंग 2, ठीक है। अच्छा तो स्प्रिंग 2 अब कैसी फोर्स लगाएगी उस पर, ऐसी, वही सेम एफएस, इक्वल एंड अपोजिट लगती है ना, और ये कैसा, ये दीवार से बैलेंस हो जाएगा, समझ रहे हो, दीवार वाली फोर्स में नहीं लगाऊंगा। ये हो गया तुम्हारे पास बाय स्प्रिंग 2, ठीक है, ऑन स्प्रिंग 1, ठीक है, बात ये हो जाता है मामला अपने पास। अच्छा अब इसका एक्सटेंशन कितना हो रहा है, इसका एक्सटेंशन हो रहा है अपने पास X2 और इसका एक्सटेंशन हो रहा है अपने पास X1। तो FS को तुम कैसे लिखोगे, K1 X1 equals to K2 X2, क्या ये बात समझ में आती है क्या। इसका एक्सटेंशन कितना हो रहा है X1, तो FS कितना बोलोगे, स्प्रिंग फोर्स कितना बोलोगे, K1 X1, और इसमें एक्सटेंशन कितना हो रहा है X2, तो इसमें स्प्रिंग फोर्स कितनी बोलोगे, FS, वही सेम स्प्रिंग फोर्स कितनी बोलोगे, K2 X2, इसमें स्प्रिंग फोर्स तो समान ही रह रही है ना, वही सेम स्प्रिंग फोर्स उसमें प्रोपोगेट कर रही है, सेम स्प्रिंग फोर्स, ये बात ध्यान में रखो, सेम स्प्रिंग सेम टेंशन, सेम स्प्रिंग फोर्स, ये तो सेम ही स्प्रिंग है, अलग अलग, मतलब सेम स्प्रिंग बोलने का मतलब कि एक ही साथ ऐसा जॉइंट है ना पूरा, तो एक ही फोर्स इसमें प्रोपोगेट करेगी, समझे, एक्सटेंशन अलग अलग होंगे लेकिन, ये बात ध्यान में रखना, एक्सटेंशन विल बी डिफरेंट बट स्प्रिंग फोर्स तो एक ही प्रोपोगेट करेगी, ठीक है क्या। अच्छा अब देखो ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन है और एफ मेरे पास एफ एस के बराबर ही है, ये बात भी अपने को ध्यान में रखनी है। अच्छा जो दूसरा के इक्वलेंट वाला जो सीन है उसका क्या सीन है, देखो अगर स्प्रिंग फोर्स तुम देखो ये के इक्वलेंट वाली, ठीक है, तो कैसा लग रहा है उस पर, ये फोर्स लगेगी एफ एस, ये फोर्स लगेगी एफ एस, ऐसा ये हो गया उस पर ना, उस ब्लॉक पर ऐसा मामला, ऐसा हो गया उस पर। एफ एस को तुम क्या बोलोगे, एफ एस हो जाएगा तुम्हारे पास के इक्वलेंट टाइम्स एक्सटेंशन, क्लियर है बात भाई। और दूसरा तुम क्या बोलोगे, एफ बराबर एफ एस भी है, ठीक है, जो दूसरा वाला सिंगल ब्लॉक है जिस पर एक सिंगल स्प्रिंग लगी है उस पर जब तुम फोर्स बैलेंस करोगे तो ये चीज मिलेगी तुम्हें, उस पर जब तुम फोर्स बैलेंस करोगे तो ये चीज मिलेगी, और जब स्प्रिंग पर स्प्रिंग वाली इक्वेशन लिखोगे है ना, एफ इक्वल्स टू के एक्स वाली इक्वेशन जब तुम लिखोगे तो ये चीज मिलेगी तुम्हें। अच्छा इसमें जो जरूरी बात है वो ये, एक्स इज रिलेटेड टू एक्स वन एंड एक्स टू बाय दिस रिलेशनशिप, तो एक्स को तुम बोल क्या सकते हो, देखो यहां से इन दोनों रिलेशनशिप से मैं बोल सकता हूं एफ इक्वल्स टू के इक्वलेंट टाइम्स एक्स, ठीक है क्या, तो एक्स की वैल्यू मैं क्या बोल सकता हूं, एफ अपॉन के इक्वलेंट, तो यहां लिख लेते हैं एफ अपॉन के इक्वलेंट, और वहां देखो मेरे पास क्या है, यहां जो दो रिलेशनशिप्स आई है मेरे पास उससे मैं क्या बोल सकता हूं, ये देखो एक रिलेशनशिप और एक दूसरी रिलेशनशिप, इससे मैं क्या बोल सकता हूं, दैट एफ इक्वल्स टू के वन एक्स वन प्लस, सॉरी एफ इक्वल्स टू के वन एक्स वन इक्वल्स टू के टू एक्स टू, ये बोल सकता हूं, समझे गए, ये भी बोल सकता हूं। तो एक्स वन मेरे पास कितना आ जाएगा, एफ अपॉन के वन, चले गया, और एक्स टू मेरे पास कितना आ जाएगा, एफ अपॉन के टू, इसमें एफ और एफ काट लो
एफ एफ पूरा काट लो, ये आ जाता है तुम्हारे पास 1 अपॉन के इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन के 1 प्लस 1 अपॉन के 1। ठीक है, ये बहुत ही साधारण सी बातचीत थी जो तुम्हें किसी भी स्टैंडर्ड बुक में मिल जाती है, बराबर। ठीक है, कोई ऐसी मैंने न्यू बातचीत नहीं की, किसी भी स्टैंडर्ड बुक में ये वाली चीज़ें तुम्हें मिल जाएगी। हाँ, एफ वी डी वगैरह हो सकता है वो इतनी सफाई से ना बनाए, ठीक है, पर ये चीज़ें तो किसी भी किताब में मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें देखो कैसा रिलेशनशिप आ रहा है सीरीज में, ये है तुम्हारा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। ठीक है, ये है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स, क्लियर है बात। अच्छा, अब उस सवाल पर आते हैं, झंडू से सवाल पर। ठीक है, वो देखो वो जो सवाल है, क्या है वो सवाल, कहाँ गया वो, कहाँ है, कहाँ छुपा हुआ। अब उस सवाल को देखेंगे, पहले तो मजाक उड़ाएंगे उस सवाल का, कहाँ है वो सवाल, है कहाँ वो, अबे बहुत ज्यादा बोल गया यार मैं। ठीक है, खैर यहाँ देखो, अब तुम देख रहे हो क्या, वो जो स्प्रिंग है, एक झंडू सी स्प्रिंग है, ये देखो एक झंडू स्प्रिंग है ये ऐसी, उस पर देखो फोर्सेस कैसी लग रही है, ये एक एफ फोर्स ऐसी, एक एफ फोर्स ऐसी, ऐसा। तो तुम्हें कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि रीडिंग ऑफ जो स्प्रिंग बैलेंस है वो 2F हो जाएगा, 2F वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए। जब F और F दोनों जब कोनों पर लगते हैं, ये जब दोनों पर कोनों पर लगते हैं, तब तुम लिखते हो F बराबर KX। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, क्लियर है। तो रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस विल बी F। ठीक है, रीडिंग ऑन द स्प्रिंग, तो ये तो ओरल है 100 किलो, ठीक है ना, रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस विल बी व्हाट, 100 kg। क्यों ऐसा, बिकॉज T की वैल्यू कितनी होगी, जीरो नहीं होगा, हाँ जीरो नहीं होगा, 110 kg होगा, स्प्रिंग बैलेंस 10 kg देगा, स्प्रिंग बैलेंस एक्चुअल में वेट मेजर करता है, तो 100 न्यूटन होगा वो। हाँ, क्या बोल रहा है ब्रह्मा, बोल सर, वो जीरो नहीं होगा रीडिंग, नहीं होगा, बिकॉज उस स्प्रिंग बैलेंस का मैंने फ्री बॉडी डायग्राम देख यहाँ पर बनाया है, देख स्प्रिंग बैलेंस का मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है। ठीक है, ये एफ एक्चुअल में है कितना, ये F एक्चुअल में है कितना, T के ही तो बराबर है, ये देखिए यहाँ पर T जो बना हुआ है, इसी T के तो बराबर है वो, नहीं, ये जो F लग रही है, इसको F मत बोलो, T बोल लो, ये जो T लग रहा है, ये T लगा कौन रहा है, ये जो ब्लॉक ऐसा लटका हुआ है, यही तो लगा रहा है वो T। मामला कैसा है देखो मैं बताता हूँ, सवाल में तो कुछ भी नहीं है, मतलब एकदम उरल छाप है वो, यहाँ देखो जैसे वो स्प्रिंग है ऐसा, ठीक है, ये तुम्हारा ब्लॉक है, ये दोनों ऐसा कनेक्टेड है स्प्रिंग से, ऐसा ये धागे से कनेक्टेड है, स्ट्रिंग से कनेक्टेड, कैसा होगा फिर, जो स्ट्रिंग है वो ब्लॉक पर ऐसी फोर्स लगाएगा, और जो स्ट्रिंग है वो स्प्रिंग बैलेंस पर ऐसी फोर्स लगाएगा, समझ पा रहे हो, और वो दूसरी साइड से भी कनेक्टेड है मस्त, ये देखो ऐसा दूसरी साइड से वो ऐसा कनेक्टेड है, ये बढ़िया सा मस्त ऐसा, समझ रहे हो क्या। तो जो स्प्रिंग है वो कैसी कैसी फोर्सेस लगाएगा, जो इस पे ब्लॉक पर फोर्स लगाएगा ऐसी खींचने वाली, और इस पर स्प्रिंग बैलेंस पर फोर्स लगाएगा ऐसी खींचने वाली, ठीक है, ये ऐसी फोर्सेस लगेंगी, ठीक है बात, ऐसी फोर्सेस लगेंगी। तो जब तुम स्प्रिंग बैलेंस का एफबीडी बनाओगे तो कैसा बनाओगे, ये बनेगा स्प्रिंग बैलेंस का एफबीडी, ये ऐसा टी, ये टी, समझ गए। और जब तुम ब्लॉक का एफबीडी बनाओगे तो वो कैसा बनेगा, ये हो गया टी, ये हो गया एमजी, ये हो गया टी, ये हो गया एमजी, एमजी बराबर कितना है तुम्हारे पास, 100 न्यूटन है, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 न्यूटन हो जाएगी। तो इसका मतलब जो स्प्रिंग बैलेंस को जो फोर्सेस खींच रही है कौन सी है, 100 न्यूटन की फोर्सेस है ना, क्लियर है के बाद। तो स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग होगी वो कितनी होगी, 100 न्यूटन की होगी। अरे स्प्रिंग बैलेंस को जब अपन ऐसा लटकाते हैं, स्प्रिंग बैलेंस कुछ है थोड़ी पे, सादा स्प्रिंग ही तो है, मान लेते हैं ऐसा स्प्रिंग है, ये ऐसा लटका हुआ है, एम मास का तुम्हारे पास मान लेते हैं स्प्रिंग बैलेंस है, ऐसा लटका हुआ है ऐसा, ठीक है क्या। अब स्प्रिंग बैलेंस के लिए क्या करोगे तुम, ऐसा हुक लगा दो इस पे, ये ऐसा डब्बा कर दो, ऐसा डब्बा बना के इसको क्लोज कर दो, ये ऐसा डब्बा बना के क्लोज कर दो, ये ऐसा डब्बा हो गया, ये ऐसा, और ये खूंटा टांग दो ऐसा, ये हो गया स्प्रिंग बैलेंस हो गया, उस पर ऊपर एक प्लास्टिक का कवर लगा दिया है और एक खूंटा टांग दिया बस स्प्रिंग से। अब इस पे खूंटे से मान लेते हैं ये लगा हुआ है, एक मास लगा हुआ है ऐसा,
तो अब इसमें क्या बोलोगे आप, कैसे स्प्रिंग बैलेंस मेजर कैसे कर रहा है, क्या चीज़ को मेजर कर रहा है? तो जब ब्लॉक का एफबीडी बनाओगे तो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा एम जी, ये हो गया टेंशन, ऐसा। स्प्रिंग बैलेंस का जब तुम एफबीडी बनाओगे तो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा टेंशन, ये ऐसा, ठीक है क्या? अब स्प्रिंग बैलेंस का तो स्प्रिंग तो मासलेस है, तो उस पर ये टेंशन अपने को ऐसा बनाना पड़ेगा। अब ये टेंशन को बैलेंस कौन कर रहा होगा, वो अपनी दीवार, ये दीवार, ये ऐसा दीवार पर ये कौन टेंशन, ऐसा, ठीक है। तो स्प्रिंग बैलेंस जो फोर्स रजिस्टर करेगी, वो स्प्रिंग बैलेंस क्या फोर्स रजिस्टर करेगी, टी। अभी अगर इक्विलिब्रियम अगर है तो टी बराबर कितना होगा, एम जी। तो माय स्प्रिंग बैलेंस विल शो करेक्ट वेट, वो अगर एलिवेटर वगैरह में डाल दोगे तो फिर मजे आ जाएंगे थोड़ा, चलेगा। खैर, तो अभी स्प्रिंग बैलेंस किस तरह से वेट रीडिंग करती है वो चीज़ क्लियर है क्या? वो ये टी मेजर करती है ना, जो उसके दोनों कोनों पर जो टेंशन लग रहा होगा उसको मेजर किया जाता है, जो दोनों कोनों पर जो टी लग रहा होगा उसको मेजर किया जाता है। क्या बातें क्लियर है? इसमें कुछ पूछना है तो बोलो, इसमें कुछ भी नहीं है यार, इससे मतलब पपलू सवाल तो नहीं पैदा हो सकता। ये देखो, स्प्रिंग बैलेंस का जो दोनों कोनों पर जो फोर्सेस आएंगी वही उस स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग रहती है, ठीक है सर? वो दोनों फोर्सेस अलग अलग रही तो नहीं रह सकती, अलग अलग रही इसका मतलब तू बोल रहा है उस स्प्रिंग बैलेंस पर नेट फोर्स बन रही है, नॉन जीरो फोर्स बन रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिकॉज कोई भी अगर मासलेस चीज है, एफ नेट ऑन अ मासलेस बॉडी विल बी इक्वल्स टू व्हाट, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। उसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं नॉन जीरो है ना, पर मास तो जीरो है, तो एफ नेट तो जीरो बनेगा ही बनेगा 100%। तो उसके एक कोने पर अगर फोर्स अगर 100 न्यूटन है तो दूसरे कोने पर 100 न्यूटन की फोर्स बनेगी बनेगी, पक्का ही है। और ये चीज मैं वीडियो में बहुत बार बता चुका हूँ, मासलेस बॉडी जो होती है, जैसे पुली का हम लोग कैसे करते हैं, जैसे मान लेते हैं ये बना मस्त बिंदास बना, ये ले ऐसा, ये ले, एक ये मान ले, ठीक है क्या, ये ऐसा, एक दूसरा ऐसा, ठीक है क्या, ये ऐसा कर लेते हैं, तीसरा ऐसा कर लेते हैं, ये ऐसा कर लेते हैं, चलो ठीक है, इस पर मान लेते हैं और एक दो टांग ले, ठीक है, इसको ऐसा कर लेना बेस्ट है, ये ऐसा कर ले, ये ऐसा दो ब्लॉक टांग लेते हैं, ऐसा ऐसा, ठीक है, ये ऐसा, ए बी सी, ये सब की कंस्ट्रेंट वगैरह लिखनी सिखाई है, ठीक है बात, ये सब का कंस्ट्रेंट वगैरह लिखना सिखाया अपन ने। तो टेंशन कैसे प्रोपोगेट करवाएगा, ये देख टी, ये देख पुलियों पर टी, ये भी टी, ये देख एक और टी है ना पुली पर, ये देख टी, ऐसा जो टेंशन है वो इसी तरह से तो प्रोपोगेट होगा। क्यों प्रोपोगेट हो रहा है ऐसा, ये देख ऐसा प्रोपोगेट हो रहा है, ये देख मस्त बढ़िया प्रोपोगेट हो रहा है। अच्छा, प्रोपोगेट तो हो गया, एक स्ट्रिंग एक टेंशन तो हो गई, क्यों ऐसा हो गई, बिकॉज मासलेस होती है स्ट्रिंग, मासलेस होने की वजह से ही, जैसे स्ट्रिंग को मैंने तोड़कर भी दिखाया था जब, कि स्ट्रिंग का जो फ्री बॉडी डायग्राम जब तुम बनाते हो कैसे बनाते हो, ये सब वीडियो में आ चुका है ये सब, इस पर तो मैं करीब एक घंटा बोला हूँ, इस पर फिर बोलने लग जाऊंगा तो फिर और टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अभी देखो, यहाँ पर जो टेंशन रहेगा वो कितना रहेगा, टू टी, यहाँ पर जो टेंशन रहेगा, ठीक है, वो कितना रहेगा, ये हो गया टी बाई टू। ये तुम टेंशन कैसे बना पा रहे हो टी बाई टू और ये सब, इसीलिए तो बना पा रहे हो बिकॉज पुलीज आर मासलेस। यहाँ पर टू टी क्यों आया है, क्योंकि इस पुली पर फोर्स बैलेंस करना पड़ेगा ना, और पुली अगर तुम्हारी मासलेस है तो उस पर फोर्स बैलेंस तो करना ही पड़ेगा तुमको, ठीक है। यहाँ पर कितना रहेगा टू टी, यहाँ पर कितना होगा टू टी, समझ गए, ये हो गया टू टी, ये भी हो गया टू टी, क्लियर है बात, ठीक है। अच्छा, इसकी अगर कंस्ट्रेंट वगैरह लिखनी हो तो कैसे करोगे, वो सब तो पता ही होना चाहिए, इसका इसका कंस्ट्रेंट लिखने की ट्राई करना, इसका कंस्ट्रेंट लिखने का ट्राई करना, रिलेट द एक्सेलरेशंस ऑफ ए ए ए बी ए सी, इस तरह का तो मैं 56 बना दूँ, और ये सब कुछ होता थोड़ी है, बहुत ही आसान आसान चीज़ें हैं सब, ठीक है क्या? तो ये इसका कंस्ट्रेंट लिखने की ट्राई करना, ठीक है क्या? तो इसमें कुछ और पूछना है तो बताओ, इसमें अगर कुछ और पूछना है तो बताओ, सर इसके पहले वाले सवाल में डिफरेंट दिए फोर्सेस, नहीं हो सकता, चलो निकालो कहाँ पर है डिफरेंट, कौन सा सवाल नंबर बोलो, टेंथ का बी और ए, ए और बी, अभी निकालता हूँ रुको जरा, अभी निकालते हैं कहाँ है, अच्छा चलो भाई कौन सा ए और बी देखे तो जरा, दोनों को उठा लेता हूँ एक साथ, ये एफबीडी बनाने वाले सवाल हैं ये सब, मैं तो यार मैं मतलब इसमें तो यार कोई आंख बंद करके इसका तो सब अपन कार्यक्रम कर दें, ठीक है, मेरे पास शायद अभी टाइम तो है नहीं, 4:56 हो गए, 4 मिनट में हो जाएगा वैसे, ठीक है यहाँ देख,
अब देखो सवाल तुम्हारा तो पढ़ा ही हुआ होगा, मुझे बड़ा धुंधला सा दिखाई दे रहा है पर काम चल जा रहा है मेरा। ठीक है, 10 kg ब्लॉक इज सपोर्टेड बाय इतना इतना इतना, ठीक है, विच इज सपोर्टेड बाय कॉर्ड, व्हाट इज द रीजन। अबे यार क्या है भाई, ये तो वही सेम चीज है, वही 10 kg का ब्लॉक है, सिर्फ 100, तो ये ऊपर टेंशन लग रहा है। अब वो स्प्रिंग बैलेंस जब तू बनाएगा तो यही तो है वो सेम, अभी तो मैंने 2 मिनट पहले बना के दिखाया। ये देख ये टेंशन स्प्रिंग बैलेंस पर, और एक ये एक टेंशन, और दीवार के साथ एक टेंशन और, ये देख ये दीवार है ना, ये देख ये दीवार और ये एक टेंशन। अब मेरे साथ बोल, ये कौन लगा रहा है? स्प्रिंग बैलेंस लगा रहा है ऑन द ब्लॉक, और ये लगा रहा है ब्लॉक ऑन द स्प्रिंग बैलेंस। ये कौन लगा रहा है? वॉल ऑन द स्प्रिंग बैलेंस, और ये कौन लगा रहा है? स्प्रिंग बैलेंस ऑन द वॉल। ऐसा इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ मेरे को, इसमें क्या बताऊं मैं? रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस बोलो कितना होगा? टी। रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस बोलो कितना होगा? टी। कहां आ रहा है तू अलग अलग बता ना, इसमें इसमें मेरा कोई मतलब, इसमें अपना एकदम मैथमेटिक्स एकदम क्लियर है, तू इस पे जितनी देर बातचीत करना चाहता है कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तू बता कहां इसमें क्या दिक्कत आ रही है बोल। ये तो एकदम बेसिक है, ये एकदम बोल इसमें कहां दिक्कत आ रही है? पर मुझे लगा टेंशन अलग अलग थे बात पे, नहीं 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 नहीं। अबे सुन, अभी वो सब के लिए मैं बैठा हूँ ना भूत भगाने के लिए, समझे? कभी ऐसे अजीब अजीब सपने आए तो फिर मैं हूँ ना उसमें। यहाँ देख इधर, इसमें देख, इसको पकड़, ये तो और भी गरीब है, ये तो बेचारा बड़ी देर से छुप रहा है, ये तो और भी गरीब है। ये टी हो गया, स्प्रिंग बैलेंस देख कैसा है तेरा, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा टी, ये भी टी, और दीवार एक यहाँ पर बस उसने स्लैंट कर दी है, ये दीवार है, ये टी। और बोल इसकी भी रीडिंग कितनी हो गई? रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस विल बी, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस विल बी टी। ठीक है, बात कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ मेरे को। सर 11वां। अबे साले इसमें कोई दिक्कत है तो बता बे, अभी टाइम हो गया ना 5 बजे, अभी सवाल नहीं लगाएगा? सर वो एक एक बता दो बस। अबे रुक जा 1 मिनट, ऐसा क्या है सवाल में, 1 मिनट रुक। 11वां कहाँ है 11वां? अबे 11वां तो हो गया साले, अभी तो बताया मैंने, 11वां तो अपन ने कर लिया ना, और मैंने ये 40/3 क्यों लिख रखा है? रीडिंग, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इन द फॉलोइंग डिवाइस। अच्छा 20 किलो और 10 किलो दे रखा है क्या? अच्छा, हाँ वो वाला, अच्छा ऐसा क्या, ओके हाँ इसमें मजा आएगी फिर। अच्छा रुको रुको मैं बताता हूँ इसमें। सर यही बोल रहा था मैं अबे तो, मैं भी यही बोल रहा था आपको। अच्छा तो सालों मेरे को ऊपर वाला तुमने बोला ए और बी पार्ट तुम बोल रहे थे, सवाल नंबर तो वो अगला है बे। वो कंफ्यूज हो गए थे थोड़ा। नहीं नहीं उसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, यहाँ देखो अभी अपन पकड़ते हैं ना उसको, यही सब में तो मजा है, यही तो मेरी स्पेशलिटी है। ये देखो अब बनाएंगे अपन, सर इसका वीडियो जाएगा क्या? हाँ वीडियो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसके पहले इससे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस गए हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। खैर अभी देखो, अब 20 kg ब्लॉक है तो मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। 200, ये हो गया टी, मान लेते उसका एक्सेलरेशन है ए नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन तो लेना पड़ेगा क्योंकि अभी तुम्हारा जो बैलेंस है वो तो बैलेंस तो रहेगा नहीं, समझ गए क्या? टी अगर रीडिंग है तुम्हारे स्प्रिंग बैलेंस की तो दोनों साइड टी टी रहेगा, ये बात तो पक्की है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, वरना तो अपना मामला ही बिगड़ जाएगा, दोनों साइड टी टी रहेगा ये बात पक्की है। पर अभी वो रेस्ट पर नहीं रह सकता, ठीक है, वो रेस्ट पर नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता रेस्ट पर? क्योंकि रेस्ट पर करोगे तो साले ये कैसे रेस्ट पर रहे, दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं करेगा। देखो 10 kg वाला जो है ये हो गया 100 और ये हो गया टी, ऐसा समझ गए? और उसमें तुमको उसका एक्सेलरेशन कितना मानना पड़ेगा, 10 किलो वाले का नीचे की तरफ ए मानो, सॉरी ऊपर की तरफ ए मान लो, ऐसा ऊपर की तरफ ए मान लो। अभी मेरे को एक बात बताओ, रेस्ट पर क्यों नहीं रह सकता ये सिस्टम, रेस्ट पर क्यों नहीं रह सकता ये सिस्टम? अब अगर रेस्ट पर करोगे तो टी बराबर 100 इसको करोगे तो ये कैसे रेस्ट पर रहेगा, 100 नहीं रह सकता ना, ये बात समझ में आ रही है? सर वो इक्विलिब्रियम में नहीं है ना, नहीं है ना इक्विलिब्रियम में, कहां से रहेगा इक्विलिब्रियम में? उसने बस क्या पूछा है, रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस, क्या उसने ये कभी बोला क्या इक्विलिब्रियम में? अब बोलेगा तो अपन उसको दो जूते नहीं मारेंगे कि साले बड़ा इक्विलिब्रियम सूझ रहा है तेरे को, है एक 10 किलो और एक 20 किलो लगा के इक्विलिब्रियम सूझ रहा है बड़ा तेरे को, ऐसा नहीं बोलेगा? तो अब यहाँ तड़ से इक्वेशंस लिख, टी माइनस 100 बराबर, अब तो हो जाएगा 10 a, और दूसरा लिख, ये हो गया पहला, दूसरा लिख फटाक से 100 माइनस टी बराबर कितना हो गया 20 a,
ये ऐसा दूसरा हो गया अपने पास, इसमें फटाफट आ जाएगा, फिर सब कर लेना ठीक है क्या? अबे ये क्या हो गया 100, अच्छा ये 200 है यार, कर लोगे ना? मतलब 200 होगा। 200 कर लेना जो भी होगा ठीक है, ये कर लेना। मैं वही बोला साले कटकुटा के मर कैसे गया ये सब कुछ। तो 100 बराबर कितना आ रहा है तुम्हारे पास? 30A। इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं हुई ना? ए बराबर आ रहा है 100/30 ऐसा। ये आ रहा है तुम्हारे पास 10/3। अब टेंशन वगैरह निकाल लेना, जो भी रीडिंग वगैरह आएगी कितना आ रहा है देखो। टी बराबर आ जाएगा 100+10 टाइम्स ए ठीक है क्या? ऐसा कितना आ रहा है 100/4/3 ठीक है, कितना आ रहा है 400/3। ये आ रहा है रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस, क्लियर है? अब स्प्रिंग बैलेंस में देखना पड़ेगा एक बार कि मास मेजर करता है कि साला फोर्स मेजर करता है। आंसर अगर मैंने उसमें मास में दे रखा वो है, आंसर आपने मास में 40/3 दिया है। हाँ तो मास में अगर दे रखा है तो उसमें टी बाय जी फिर कर लेना, जो भी उसका टेंशन रहेगा दोनों कोनों पर डिवाइड बाय जी कर लेना। तो इसका मतलब उसमें मास वो कितना शो करेगा? 40/3 kg फिर वो शो करेगा। क्या ये बात समझ गए हो? क्या ये बात समझ गए हो? कोई दिक्कत? अब दिक्कत होगी नहीं तो फिर सर। तुम बाद में पूछना उसको, अभी क्लास ओवर कर रहे हो। ओके चलो बाय बाय।